दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर की गई स्टोरी को एनडीटीवी चैनल ने अपनी वेबसाइट से हटा लिया था। इसके बाद से ही इस मामले पर चैनल को काफी आलोचनाओं का शिकार करना पड़ा था, साथ ही साथ चैनल की पत्रकारिता पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। अब इसी चैनल में काम कर चुकी एक पूर्व वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने चैनल के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है। एनडीटीवी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि चैनल के मालिकों और प्रबंधन ने ऐसे हालात बना दिए थे कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। वो आगे कहती हैं, पहले नेशनल हेराल्ड पर की गई खबर को रोक दिया गया, साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीटीवी ने तस्लीमा नसरीन के इंटरव्यू से कुछ पंक्तियां हटाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया था। बरखा बताती हैं कि उन्होंने लगातार ईमेल और मौखिक तौर पर एनडीटीवी के अंदर इन मुद्दों पर आवाज उठाई थी और उन्हें इसी वजह से चैनल में किनारे भी किया जा रहा था। इस मामले के साथ साथ बरखा दत्त ने राडिया टेप में नाम आने पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो इस मुद्दे पर कई बार सफाई दे चुकी हैं। वो आगे कहती हैं, एनडीटीवी के 400 करोड़ के लोन की बात भी उन्हें मीडिया में आई रिपोर्ट से ही मालूम हुई थी। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।